नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। इस वक्त दरभंगा जिला के पुलिस लाइन में हैं और यहां विजय कांत ठाकुर जो दीवा पदाधिकारी थे उनके विदाई समारोह के लिए कार्यक्रम रखा गया है। बता दें रिटायरमेंट के बाद उनके विदाई समारोह के लिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से लोग हैं उन्होंने विदाई समारोह का आयोजन किया है। इस अवसर पर लाइन DSP सर्वेश चंद्र, MP प्रभारी अश्विनी सिंह, अवधेश कुमार झा, GP प्रभारी एवं पुलिस लाइन के सभी पदाधिकारी विदाई समारोह में उपस्थित रहे हैं। देख सकते हैं सामने खासकर विजय कांत ठाकुर जिनकी आंखों से आंसू गिर रहा है और वो काफी उस पलों को याद कर रहे हैं जब वो अपने जीवन के बहुमूल्य पलों को दे रहे थे पुलिस लाइन के लिए और पुलिस विभाग के लिए। आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने विजय कांत ठाकुर को आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामना दिया है। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर सभी लोगों ने आज माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान भी किया है। कुछ लोगों ने उन्हें पुरस्कार गिफ्ट के रूप में जो दिया है आप देख सकते हैं सामने। महत्वपूर्ण बात बता दें कि विजय कांत ठाकुर के बारे में सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा है, कहा कि काफी ईमानदार थे, मिलनसार थे, काफी कम बोलने वाले विजय कांत ठाकुर, काफी ईमानदारी से अपना जीवन और अपने नौकरी का जो निर्वाह किया वो काफी काबिले तारीफ था, ऐसा लोगों ने कहा है। इस अवसर पर उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें विजय कांत ठाकुर सकरी के भालपट्टी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो उन्होंने नौकरी कब से ज्वाइन किया और कब तक उन्होंने नौकरी किया है, इन सभी बातों पर उनसे हमने इंटरव्यू लिया है, वो आपको सुनाते हैं। इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि सभी जो पदाधिकारी हैं ये सभी मौजूद हैं और एक तस्वीर जो है उनके साथ लिया जा रहा है। आपको इंटरव्यू सुनाते हैं विजय कांत ठाकुर और लाइन DSP और अश्विनी कुमार जो है उनका। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर जरूर करें। क्या कहेंगे ये पल कैसा मतलब जो रहता है? विदाई का पल हमेशा भावुक होता है और एक बहुत कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर हमारे बीच से आज रिटायर होकर जा रहे हैं। ये यहाँ दीवा प्रभारी के रूप में बड़े अच्छा काम किए। पिछले अब 2 महीने से जो हम यहाँ हैं देखे हैं बहुत निष्ठा और लगन से इन्होंने काम किया। इनके रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और हम चाहेंगे कि अपना सेकेंड इनिंग इसी तरह इतनी अच्छी से खेलेगा और फिजिकली फिट रहे। थैंक यू। बहुत भावनात्मक रूप से जो आपने बात इनको कहा है, गाय ले लीजिएगा, सेवा करिएगा, तो खासकर कैसा लग रहा है सर आज भी यहाँ से मतलब विदाई इनका किया जा रहा है? इतने वर्षों से इनका सफर था यहाँ पर, क्या विदाई समारोह तो दुख के क्षण होता ही है लेकिन खुशी की ये बात है कि इस विभाग से 39 साल सेवा करके स्वस्थ होकर जा रहे हैं। ये तो अधिकांश विभाग के लोग विदाई के समय कुछ न कुछ रोग से ग्रसित होते हैं, पैर से भी समस्या होती है, तो उस चीज से वंचित होकर इस विभाग से अच्छे से रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होकर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी यही है। और ये पॉजिटिव सोच के आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, कर्मठ आदमी थे, इसलिए ये स्वस्थ होकर जा रहे हैं। क्या शुभकामना देंगे? मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं, अपने घर पर जाएं, अच्छे से रहें सब परिवार के साथ। इनकी ये गुणवत्ता अच्छी है, ये अच्छे विचार के हैं, ये कहीं भी रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, मेरे तरफ से शुभकामना है। पूरा नाम आपका? अश्विनी कुमार सिंह। रखा गया था किस पोस्ट पर थे यहाँ पर? हम दीवा पदाधिकारी में थे जी, पुलिस कैंप के, तो मतलब रिटायर हो गए हैं। हाँ, आज विदाई समारोह रखा गया था जी लाइन में। हाँ, पुलिस कैंप। ज्वाइनिंग कब हुआ था आपका? 1983 10 अप्रैल को ज्वाइनिंग किए थे। कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग हुआ था? ज्वाइनिंग किए थे सीतामढ़ी जिला में, वहाँ से बदल के मोतिहारी गए थे, मोतिहारी के बाद नालंदा जिला गए थे, नालंदा से कटिहार गए थे, कटिहार से फिर दरभंगा आए थे। अपनी होम टाउन का कैसा रहा खासकर अनुभव? बहुत अच्छा रहा, शोभनीय रहा, सब साथ दिया, विभाग का आदमी सब भी, बड़े अफसर पदाधिकारी लोग भी बहुत बढ़िया से कटा। आंखों से आंसू निकल रहा है खासकर उन सभी जो आपके साथ काम करने वाले लोग उनके साथ कैसा? हिले में मिले जुले थे, हिले मिले थे सबसे, इसीलिए लास्ट दिन में हो रहा है जो फिर आदमी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे
ऑफर भी दिया गया आपको कि आकर के फिर से मतलब ज्वाइन करने के लिए, ऐसा तो क्या इसको ऑफर मंजूर नहीं है, इसलिए कि देहात से उतना दुरुस्त नहीं है, पुलिस विभाग का ड्यूटी बहुत किए हुए हैं 39 साल, इसलिए जानते हैं कितना दौड़ना कुदना खाना पड़ता है, उसमें सक्षम नहीं है, शरीर उतना बलिष्ठ नहीं बुझा रहा है, इसके चलते नहीं रहना चाहते। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम विजयकांत ठाकुर हुआ। घर आपका? गाँव भानपट्टी दरभंगा जिला। सबसे बड़ी चीज़ यही मानना है, अगर पुलिस विभाग में लाव लपट नहीं है, ईमानदारी है तो कहना ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है। पुलिस विभाग में अगर अच्छी तरह से निर्वाह करना है तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, और हम चाहेंगे कि विभाग से भी जाकर बोले कल इनको कहे कि आप अनुबंध वाला मत लगिएगा, कल सुझाव दिए जरूर, कम से कम गाय का दूध अगर आधा लीटर सेवन कीजिएगा तो खान पान पर ध्यान दीजिए, सरकार से भी गिटार के बाद भी खाने पीने के कम पैसे लेंगे, अच्छे से अगर खा के सोचेंगे। महफिल और हीरो हमारे ठाकुर जी से रिटायर हो जा रहे हैं, जैसा कि आप सबने होता है कि हमारे डे जनरल साहब 40 साल का एक लंबा सफ़र तय करके फिर अपने घर की तरफ अपने बच्चों की तरफ लौट के जा रहे हैं, आज आज़ाद हैं और पूरी तरह आज़ाद हैं, जो चाहे करूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, घर में जा कर जो चाहे करें, और इनका बंदिश खत्म हो चुका है, 6 महीना लगभग आए हुए हो गया, काफ़ी मृदुलभाषी सहनशील सब कर्तव्य के प्रति समर्पित मुझे दिखाई दिए, रोज हम भी कुछ सीखते हैं, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, चाहे कोई किसी की हैंडराइटिंग हो, किसी का नेचर हो, किसी को गुस्सा ना आता हो, वो सब चीज़ देख के भी हमको लगता है कि हमें भी ये सीखना चाहिए जो हमें नहीं भाव आया। पिछले 2-2.5 महीने से है, और जिस दिन हम आए उस दिन से हम सुन रहे थे, और जब भी विजय जी मिलते थे बोले सर अब मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, खुश रहते थे, लेकिन वो विदाई ऐसा है कि देखिए आज इनकी आँख में भी आंसू है, जान रहे हैं कि इनको पता था जिस दिन ज्वाइन किए थे उस दिन कि हमको रिटायर किस दिन होना है, ये फिक्स था, फिर भी इतने दिन और 39 साल बेदाग जो नौकरी करके पुलिस ऑफिसर यहाँ जाता है वो बहुत बड़ी बात होती है अपने डिपार्टमेंट, और पिछले 2 महीने में जो हमने इनको देखा है, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा जो भी हम इनको देते थे वो दिन हो रात हो कभी भी लग के उसको अंजाम तक पहुँचा, हमको याद है अग्निपथ वाले जो प्रोग्राम चल रहा था काल के उसमें काफ़ी रात में 2 या 3 बजे लोग कमान काटते थे, आदमी 3 बजे उठ के कमान काटते थे, तो हमको सीनियर सर का कभी फ़ोन आया 4 बजे क्या हुआ, हमें सर 3 बजे से कमान काटा।